हेलो एवरीवन, मैं हूँ वनिता एंड वेलकम टू कुक विद वनिता। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र के सातारा स्पेशल मटन थाली। इसमें बनाएंगे मटन रस्सा, मटन आरनी और सुक्का मटन। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ये 750 ग्राम मटन, इसे मैंने क्लीन करके धो के रख दिया है। मटन पकाते समय हम तड़के में डालेंगे दो बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक और हरा धनिया। मटन मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है ये दो प्याज, इसे मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। आधा सूखा नारियल, इसे भी मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। एक चम्मच भुनी हुई चना दाल, अदरक लहसुन और एक चम्मच सफ़ेद तिल और खसखस। सबसे पहले हम मटन मैरिनेट करके लेंगे। मटन मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने डाला है दो चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे दो चम्मच नमक। अब हम नमक और हल्दी मटन को अच्छे से लगा लेंगे और इसे मैरिनेट करके हम 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब मटन पकाने के लिए डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, पतीला गरम करके इसमें तेल डाला है। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे दो प्याज बारीक कटे हुए। प्याज को हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर लगातार चलाते हुए हमें प्याज को 5 मिनट तक भून लेना है और हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखेंगे। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और फिर साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया का फ्लेवर मटन आरनी यानी मटन स्टॉक में बहुत अच्छे से आता है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच मटन मसाला पाउडर। दोनों मसाले डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से भून के हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट करके रखा हुआ मटन। मटन डालकर हम इसे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना छूटे। यहाँ पर इसे हम जितना अच्छे से भूनेंगे उतनी ही जल्दी ये पक जाएगा। इसे लगातार चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मटन अच्छे से भून के हो गया है और इसमें से तेल भी निकलने लगा है, ये देखिए। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक थाली रख देंगे और थाली में डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब मटन को इस तरह स्टीम करते हुए 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। मटन में जो नमक डाला है उसका पानी भी मटन में छूटेगा। अब थाली के ऊपर का पानी गर्म हो गया है, ये थाली हम साइड में कर देंगे और ये गर्म पानी मटन में डाल लेते हैं। इसी प्रकार हम 2 से 3 बार ये पानी गर्म करेंगे और मटन में डालेंगे जब तक कि मटन पकने के लिए पानी सफिशियंट ना हो। इस तरह मटन भी अच्छे से स्टीम होते हुए पकेगा और हमें अलग से गर्म पानी करके डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार हम ढक्कन रख देंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा ये पानी हम मटन के अंदर डाल देंगे। मटन पकाने की ये मेथड ऑथेंटिक है, पर इस मेथड से मटन सॉफ्ट भी पकता है और टेस्ट भी बढ़िया आती है। यहाँ पर मटन पकने के लिए पानी बराबर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर पानी डालकर इसे अब 30 से 40 मिनट तक मटन सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब लेते हैं मसाला बनाने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे एक चम्मच खसखस और एक चम्मच सफ़ेद तिल। इसे हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 0.5 से 1 मिनट तक भून लेंगे। ध्यान रहे कि खसखस और तिल एकदम से जलने लगते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा समय के लिए ना भूनें। इसे भूनकर हमने साइड में रख दिया है। अब डालेंगे सूखा नारियल और साथ में डालेंगे थोड़ा सा तेल। महाराष्ट्रन स्टाइल ग्रेवी बनाते समय नारियल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। सूखा नारियल जल्दी से जल जाता है, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये भून के हो गया है, इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में डालेंगे काट कर रखा हुआ प्याज। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा तेल।
यहाँ पर प्याज मैंने स्लाइस में काट लिया है, आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मसाला पीस लेंगे। हम प्याज अलग से पीसेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट बनाएंगे और फिर भुना हुआ सूखा नारियल, सफ़ेद तिल, खसखस और भुनी हुई चना दाल एक साथ मिलाकर पीस लेंगे। यहाँ पर मसाला पीस कर रेडी हो गया है, आप चाहे तो इसे एक साथ भी पीस सकते हैं। अब सेम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। हमें इसे लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए पका लेना है। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे ये होममेड कांदा लहसुन मसाला। कांदा लहसुन मसाला से मटन रस्सा का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे ग्रेवी का कलर बहुत बढ़िया आएगा। इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। साथ में डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर सारे ड्राई मसाले हमने डायरेक्टली तेल में डाले हैं, इससे क्या होगा मटन रस्सा का कलर बहुत बढ़िया आएगा। यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भून के हो गए हैं। इसमें अब हम डालेंगे नारियल का पिसा हुआ पेस्ट। नारियल का ये मसाला डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना छूटे। ये देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे से भून के हो गया है, इसमें से अब तेल भी छूटने लगा है। अब इसमें डालेंगे प्याज की पेस्ट। मसाला पीसते समय जितना हो सके उतना कम पानी डालें, ऐसा करने से मसाला भूनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मसाला जितना अच्छे से भूनेंगे उतनी ही बढ़िया मटन ग्रेवी बनेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून के हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मसाला पीसने के बाद मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के रखा था, वही पानी मैंने इसमें डाल दिया है। पानी डाल के हम इसे और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, अब इसमें से तेल भी छूटने लगा है। यहाँ पर मसाला एकदम परफेक्ट भून के हो गया है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब दूसरी साइड में रखा हुआ मटन देख लेते हैं। यहाँ पर 30-40 मिनट हो गए हैं, हम एक बार चेक कर लेंगे मटन पका है कि नहीं। मटन के 1-2 पीस हम दबा के चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया है। अब हम मटन सूखा बनाने के लिए मटन के पीस एक थाली में बाहर निकाल लेंगे। बाद में हम इसमें भुना हुआ मसाला डालकर इसका मटन सूखा बना लेंगे। आपको जितने क्वांटिटी में चाहिए उतने आप पीस साइड में निकाल के रख दें। अब यहाँ पर जो बचा हुआ स्टॉक है इसे मटन आरनी बोलते हैं। ये मटन आरनी आप सूप की तरह भी पी सकते हैं। कफ या कोल्ड होने पर इसे ज़रूर पिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और छोटे बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं ये भून कर रखा हुआ मसाला। 1-2 चम्मच मसाला हम बचा के रखेंगे, उसे हम मटन सूखा बनाते समय यूज़ करेंगे। मसाला डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। महाराष्ट्र स्टाइल ये मटन रस्सा जवार या बाजरे के भाकरी के साथ खाया जाता है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए इस तरह थोड़ी सी पतली होती है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी और इसे 15 से 20 मिनट तक हम और पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसे लो फ्लेम पर रख के हम पकाएंगे, इससे क्या होगा इसके अंदर डाला हुआ मसाला अच्छे से पक जाएगा और इसके ऊपर एक अच्छे से तरी भी आ जाएगी। अब मटन सूखा बना लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मसाला थोड़ा सा बचा के रखा था, इसमें डालेंगे ये मटन के पीस। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मसाले की सारी कोटिंग मटन पीस के ऊपर आ गई है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच मटन मसाला पाउडर। इससे ये एकदम स्पाइसी बनेगा। आप एक बार इस तरह मटन सूखा जरूर बना के देखें, ये बहुत बढ़िया बनता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। मटन सूखा अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें 1 चम्मच मटन रस्सा डाल सकते हैं। यहाँ पर मटन सूखा बन के रेडी हो गया है।
अब देखते हैं दूसरी साइड पर रखा हुआ मटन रस्सा। ये देखिए यहाँ पर ये मटन रस्सा भी रेडी हो गया है। इसके ऊपर एकदम बढ़िया तरी भी आ गई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और एक बार मिक्स कर लेंगे। एकदम बढ़िया लग रहा है ये सातारी मटन रस्सा और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। इसे अब हम सर्व करेंगे। थाली में मैंने रखा है मटन आड़नी, मटन रस्सा, मटन सुक्का, थोड़ा सा प्याज, टमाटर, नींबू और इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म ज्वार की भाकरी यानी रोटी के साथ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट्स थ्रू मुझे ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।